हेलो, वो आ गए? ऊपर भेज दो उन लोगों को। नहीं, रूम नंबर उन्हें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि यहीं से तो बहुत चीज़ों का शुरुआत हुआ था ना। भेज दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आओ आओ, आज कितनों का टोपी पहना है? क्या मतलब? हाँ जरूर, अभी खोल रहा हूँ। नहीं सर, अभी सबके सामने पापा है यहाँ पे। अबे तेरे करतूतों के पिटारे का बात कर रहा हूँ। और आप बोलिए, सब कुशल मंगल है ना घर पे? हाँ बस चल रहा है। आप बोलिए, सब आपका ठीक है ना? अरे नहीं, इसके रहते ना तो मेरा खोगा कुछ कुशल और ना होगा मंगल। बुझ रहा है दिया और हो रहा है उधर जंगल। अब इसने क्या किया? होना बाकी कुछ ज्यादा नहीं है, पिछले दिन मेरे हाथ पे थोड़ा चोट लग गया था, तो मेरा एक जूनियर टीचर है मेरे से, वो मेरे हाथ को लेकर उधर फर्स्ट एड कर रही थी, तो ये लोग वहां आके जो बोला, मतलब मेरे इज्जत का तो कबाड़ा बहुत पहले ही कर दिया है इन लोगों ने। अब उस पे साला बुलडोजर चला रहा है। माफ कर दीजिए, लेकिन आज मेरे मुंह से बहुत कुछ निकलने वाला है। जब वो टीचर मेरे हाथ को लेकर फर्स्ट एड कर रही थी ना, तो ये लोग दूर से बोल रहे थे, वो क्या है, वो ऋतिक रोशन का एक गाना है ना, हल्ला हल्ला हुआ हुआ, हल्ला हल्ला तूने छुआ। हाँ? क्या है ये सब? तो क्या करता है तू? अबे मैं किसको छूता हूं या कौन मुझे छूती है? तेरा जल रहा है क्या? बहुत जल रहा है तेरा ना, परेशान हो गया हूं मैं आपका इससे। हमारे स्कूल में एक बंगाली सीधा साधा ज्योग्राफी टीचर है, उनका नाम है मानोस दत्ता, ये लोग उन्हें बुलाते हैं थानोस दत्ता। ये एवेंजर्स देख देख के मतलब क्या बोलूं मैं, और पता नहीं उस एवेंजर्स के एंड गेम वाले फिल्म में क्या रखा है, अरे नशेड़ियों की तरह उसके पीछे भागते रहता है। कुछ कुछ तो क्लास बंक करके भी निकल जाता है कुछ कुछ। सर ये लास्ट वन था सर, हम बहुत वेट किए थे इस फिल्म के लिए, सबने वेट किया था सर। आप जानते हैं पापा, मैंने आपसे ही बोला था। अबे अपने फ्यूचर का एंड गेम क्यों कर रहा है तू? मैं तो इसे सर समझाता ही रहता हूँ घर पे हमेशा, कि स्कूल में जाओ अपना पढ़ाई करके चले आओ, लेकिन फिर तू मानता क्यों नहीं है रे? ये मानता ही नहीं है मेरा बात। पापा मैं अभी उतना कुछ करता नहीं हूँ। पिछले दिन मैं क्लास में सबसे पूछा था कि चलो तुम लोगों को स्कूल के बाद क्या करना है। एक लड़का हाथ उठा के मेरे को बोला, सर मेरे को BBA करना है, उसके बाद MBA करना है। तो मैंने बोला चलो बहुत अच्छा प्लानिंग है। फिर मैंने इससे पूछा कि क्या तुम्हें MBA का फुल फॉर्म पता है, बताओ। इसने ये बोलता है मेरे को हाँ पता है। MBA का फुल फॉर्म इसने मेरे को बताया, मेरी बेवफा औरत। मेरी बेवफा औरत? अच्छा, उस दिन EVS के क्लास टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि MKB का फुल फॉर्म क्या है, तो इसने लिखा है माँ का भोसड़ा। हर वक्त गाली रहता है मुंह पे। उस दिन मैं क्लास में जाते थे, सुना कि कुछ दोस्तों के साथ ये बोल रहा था कि जादू चाहे धूप, मैं चाहूं। नहीं बोल सकता। उस दिन क्लास में एक ऑफ पीरियड था, तो मैंने इन लोगों से पूछा कि अगर तुम लोगों को मेरे से कुछ पूछना है तो तुम लोग पूछ सकते हो। तो ये मेरे को पूछता है कि सर आपका वाला आईफेल टावर है या लीनिंग टावर ऑफ पीसा। और इतना ही नहीं,
उस दिन जियोग्राफी टीचर इन लोगों से पूछे कि गर्मी के टाइम में अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो इसने बोला कि मैम, हम लोगों को पहले वेबसाइट और फिर उसके बाद मोबाइल बंद कर देना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है? नहीं पता तेरे को? उस दिन क्लास में एक ऑफ पीरियड था तो मैंने इन लोगों से पूछा कि अगर तुम लोगों को मेरे से कुछ पूछना है तो तुम लोग पूछ सकते हो। तो ये मेरे को पूछता है कि सर, आपका वाला आईफेल टावर है या लीनिंग टावर ऑफ पीसा। और इतना ही नहीं, उस दिन जियोग्राफी टीचर इन लोगों से पूछे कि गर्मी के टाइम में अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो इसने बोला कि मैम, हम लोगों को पहले वेबसाइट और फिर उसके बाद मोबाइल बंद कर देना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है? नहीं पता तेरे को? सर, इस बार इसे माफ कर दीजिए सर, आगे से आइंदा ऐसा नहीं होगा सर, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा सर। हे, माफी मांग सर से। सॉरी बोल बोल, सॉरी सर, सॉरी बोल। माफ कर दीजिए सर, इस बार जा रहे, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, सर जा रहे हैं, सर जा रहे हैं। कृपा करके अगर तुम जाओ, प्रस्थान करो और लिख के जाओ, फिर कब आओगे इधर?